वेलकम टू रेसिपी आना, मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए अचारी कॉर्न आलू पराठा बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना है, पर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ मैंने सूपा कॉर्न लिया है। ये अचारी फ्लेवर कॉर्न है, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल कॉर्न ले सकते हैं, और उसमें 2 चम्मच अचार का मसाला मिला दें। तो ये मैंने 100 ग्राम लिया है। एक पैकेट में 100 ग्राम आता है तो मैंने एक पैकेट लिया है। मैंने 4-5 आलू लिए और उसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। एक बड़ी प्याज को बारीक काट लिया है। 1 इंच अदरक को कद्दूकस कर लिया है। 6 से 7 हरी मिर्च को बारीक काटा है, और 4 से 5 लहसुन की कली को बारीक काटा है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती को लिया है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और इसी तरह मैंने पुदीने को भी काट लिया है। तो यहाँ मैंने पुदीने को ज़्यादा लिया है। 1 चम्मच जीरा पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। तो सबसे पहले पराठे के लिए आटा सानेंगे। तो मैंने यहाँ 400 ग्राम के करीब आटा लिया है। इसमें 1 चम्मच के लगभग हम अजवाइन डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम इसमें, क्योंकि हम जो आलू और कॉर्न का मिक्सचर बनाएंगे उसमें भी नमक डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, और जैसे एक नॉर्मल आटा सनता है सॉफ्ट, वैसे इसको सान लेंगे। तो यहाँ मैंने आटे को अच्छे से सान लिया है, बिल्कुल चिकना कर लिया है, और बिल्कुल सॉफ्ट साना है मैंने इसे, ये देखिए। अब इसे हम ढक कर रख देंगे, और तब तक आलू और कॉर्न को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कॉर्न को पीस लिया है, जो अचारी कॉर्न था, और इसमें मैंने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था पीसते वक्त। अब इसमें आलू डाल देंगे। कटी हुई प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को डाल देंगे। अगर आप लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो हरी मिर्च को कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हरी मिर्च को ज़्यादा डाला है। पुदीने के पत्ते, धनिया डालेंगे, नमक, तो नमक मैंने आटे में भी डाला था, अब इसमें हम डाल रहे हैं तो ध्यान से डालना है हमें। तो मैंने 1 चम्मच के लगभग यहाँ नमक डाला है। जीरा पाउडर डालेंगे 1 चम्मच के लगभग। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैं इसे हाथ से मिक्स करने जा रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार है। अब हमने गैस पे एक तावा रखा है, ये लोहे का तावा है, आप नॉनस्टिक तावा भी ले सकते हैं। अब इसे हम गरम कर लेंगे। यहाँ मैंने आटा और स्टफिंग के लिए लिया है, ये सूखा आटा मैंने लिया है डस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोई बनाएंगे आटे की। आपको जितना बड़ा पराठा बनाना हो उतनी बड़ी लोई काटें। अब मैंने एक लोई ली है, हल्का सा आटा लिया है, सूखा आटा, और जो ये लोई है इसको एकदम हम कटोरी का शेप देंगे स्टफ़ करने के लिए। मुझे इस तरह स्टफ़ करना बहुत ही इजी लगता है, तो आप भी इसको ट्राई करें। ये देखिए, एकदम जैसे कटोरी होती है छोटी सी, वैसे बन गया है। अब इसमें जो हमने स्टफिंग मसाला तैयार किया है उसको डालकर और इसको अच्छे से बंद कर देंगे। इसी तरह हम और भी बना लेंगे। तो हम आपको एक और दिखाते हैं कि किस तरह आप स्टफ़ कर सकते हैं। एक लोई लेंगे, हल्का सा आटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। अब इसके बीच में जो स्टफिंग मसाला है उसको रखेंगे,
और इसको चारों तरफ से पकड़ कर सील कर देंगे। तो आपको जो भी आसान लगे उस तरह बनाएं, या जैसे आप अपने घर पर बनाते हो आप उस तरह भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ भरी हुई जो स्टफ हुई लोई है उसको लिया है, हल्का सा आटे की डस्टिंग किया है उसकी, और उसको आराम से मैंने बेल लिया है। जैसे नॉर्मल पराठे बनाए जाते हैं, आप आलू के बनाते होंगे और कई चीज़ स्टफ करके बनाते होंगे, तो सेम वैसे ही इसको बनाना है। बहुत पतला नहीं करना है क्योंकि इसमें आलू है। तावा गरम हो चुका है तो गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। अब इसमें ये पराठा डालेंगे। इसी तरह हम दूसरे पराठे को भी बना लेते हैं। अब इस पराठे को पलट देते हैं हम। लगभग 30-40 सेकंड हो चुके हैं, और या जब पराठे आपके ऊपर से हल्के हल्के उठने लगे, वो फूलने लगे, तो आप उसे पलट दें। अब इसमें हम ऑयल लगाएंगे, तो मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है। आप घी भी इसमें लगा सकते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल लगाया है। आप कम ऑयल खाना चाहते हो तो आप थोड़ा भी इसमें लगा सकते हैं, पर पराठे बिन घी या ऑयल के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने दोनों साइड ऑयल लगा दिया है इसमें। अब इसको दबा कर हम अच्छे से सेक लेंगे। अगर आपका तावा ज़्यादा गर्म है तो आप गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर सकते हैं। पराठे को अच्छे से दबा दबा कर हम दोनों साइड से खूब बढ़िया सेक लेंगे। इस पराठे की खास बात यह है कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें अचार का फ्लेवर आता है, साथ में आलू, कॉर्न और पुदीना का भी फ्लेवर आता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, और ये आपको कैसी लगी और इसका टेस्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। इसे तेज आंच पर आप बिल्कुल भी ना सेकिएगा, नहीं तो ये इतना अच्छा नहीं सिकेगा। और इसी तरह हम सभी पराठे को बना लेंगे। तो आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।